महान स्वतंत्रता सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न मोरारजी देसाई की आज 126वीं जयंती है। उन्होंने 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। आपको बता दें कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी थे। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के बुलसार जिले में हुआ था। 1929 में उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया। 1931 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने और 1937 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। वे महात्मा गांधी के साथ कई आंदोलनों का हिस्सा रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो 3 बार जेल गए। 1952 में वे बम्बई के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े पद दिए गए, लेकिन वे इंदिरा गांधी के फैसलों से खुश नहीं थे। 1975 में उन्होंने जनता दल की सदस्यता ली। 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तब वे 81 वर्ष के थे। भारत रत्न के साथ ही उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाक से नवाजा गया। मुश्किल परिस्थितियों में भी वे प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते गए। वो स्वयं ये मानते थे कि सभी को सच्चाई और विश्वास के अनुसार ही जीवन में कर्म करना चाहिए।